व्हाट्सअप का आज हमारा आज हमें कौन नई गेम लेके आए हैं। गेम का नाम है नेक्रो मुंडा हार्ड गन। तो मुंडा तो मुझे लग रहा है जैसे हमारा पंजाबी के अंदर कहते हैं एक लड़के को। तो चलिए शुरू करते हैं गेम को। और कहाँ से भाई फ्रेम रेट मेरे आ रहे हैं। सो अभी मेरी हाई सेटिंग्स पे है, मैंने अभी एपिक सेटिंग्स पे इसको खेल के नहीं देखा। तो यहाँ से गेम हमारी शुरू हो रही है भाई साहब, एकदम खून खराबा जैसे मुझे लग रहा है, डूम और थोड़ी एलियन पीडर टाइप की है। आई थिंक मुझे इसको स्किप करना पड़ेगा, बता लेगा मुझे कट सीन के अंदर वो लग जाए, क्या कहते हैं यार, ओ माय गॉड, कॉपीराइट इश्यूज। तो आइए शुरू करते हैं हमारी गेम को। और यूज़ शूटिंग गेम है। और चैप्टर वन, मेंबर ऑफ मर्चेंट्स गाइड हैज बीन मर्डर्ड। ओके, दिस इज़ अ ह्यूज बाउंटी ऑन आउटलॉ रिस्पॉन्स। यू एंड टू फेलो हायर्ड गन आर परस्यूड ऑन द आउटलॉ। ओके, बिलीव यू नो फाइंड देम। ओके, अटैक इन कंसर्ट टू कैप्चर द आउटलॉ। तो हम एक बाउंटी हंटिंग करने जा रहे हैं। आई थिंक हमें काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और हम खेलने वाले हैं अपने एक्सबॉक्स के रिमोट के साथ। और लेट्स सी कि काफ़ी बढ़िया रहे। तो ये देखिए, गेम शुरू होते ही यहाँ पे मैं अपनी गेम खेल रहा हूँ और थोड़ी सी लैग कर रही है। तो मुझे सेटिंग्स थोड़ी करनी पड़ी, जबकि फ्रेम रेट्स मेरे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो पहले अपनी जो है फ्रेम रेट्स का कुछ करते हैं। और लेट मी सी, यहाँ से फ्रेम रेट की लिमिट नहीं है क्या? मोशन ब्लर ऑफ, यार क्या ये वर्टिकल फ्लो नहीं, डायरेक्ट टेक्स्ट वाला 12, ओह माय गॉड, रेजोल्यूशन स्केल ठीक है, ऑटो डिटेक्ट क्या है, एनवीडा डी एल एस एस। हाँ, तो यहाँ पे फ्रेम रेट का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। तो चलिए इसको करता हूँ बैक और गेम के अंदर जाके देखते हैं, मे बी यहाँ पे ऑप्शन हो फ्रेम रेट्स का। नहीं, यहाँ भी नहीं है, ओह माय गॉड। सो मुझे फ्रेम रेट लिमिट बनानी पड़ेगी यहाँ पे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर गेम खेल के देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो अभी तक तो ठीक, थोड़ी थोड़ी गेम जो है, मैंने सारे की बैकग्राउंड प्रोसेस सारे के सारे जो हैं बंद कर दिए हैं, अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है। अब मुझे गेम की याद आ रही है, कौन सी गेम थी जो अनरियल इंजन की गेम है यार, बहुत बढ़िया गेम थी वो, काफ़ी ज़्यादा फेर। डूम नहीं, डूम नहीं, एक और कोई गेम थी। यहाँ से पहले शुरू करते हैं इसको। और ये अपना कैरेक्टर चूज़ करना है हमें, आईडी हमारे हैं, और देखने में कौन सा बढ़िया है। ये आ रहे हैं ये वाले भैया, ठीक है, ये वाले भैया ठीक है, यस दिस वाला वेदर इज़ गुड। तो हर रंग भाषा जाति के हैं, तो आप कोई भी टाइप के चूज़ कर दीजिए। एशियन लुक का है, ये अफ्रीकन लुक का है, ये थोड़ा लड़की लड़का, कोई भी गेम खेल रहा हो अपना कैरेक्टर आप चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल, एवरेज, हार्ड, तो अभी हम खेलेंगे नॉर्मल के अंदर ही। और गेम हमारी जो है शुरू हो गई है। मुझे उस गेम का नाम ही याद नहीं आ रहा कि वो कौन सी गेम थी यार, शिट माय गॉड। तो ये हम एक टनल के अंदर आ गए हैं और गेम एकदम दुनिया टाइप ख़त्म हो गई है, कुछ नहीं बचा जीवन के अंदर। और वैसी सी लोकेशन के अंदर हम आ गए हैं। और ओके, तो हमारे पास डॉगी भी है। तो कपड़े इन्होंने पहन रखे एकदम गियर्स ऑफ वॉर की तरह। और एक और गेम थी बैटल फ्रंट, हाँ आई थिंक, एक कौन सा डॉगी है हमारे पास, लेट मी सी, इतनी बड़ी बड़ी गन्स है। तो हाँ, एलियंस टाइप्स को हमें मारना पड़ेगा। और मुझे लगता है एलियन या हेल की या नरक की दुनिया के अंदर हम जा रहे हैं। और यहाँ देखिए बड़ी सी, क्या हुआ डॉगी, डॉगी किसको देख के डर रहे हो तुम? तो लिफ्ट के अंदर हम जा रहे हैं और नीचे, इतनी नीचे जा रहे हैं भाई साहब की पता ही नहीं चल रहा। आई थिंक कम से कम हम 50 मंजिल नीचे, और अभी और भी जगह आ गई है। माय गॉड, यहाँ तक हम आ गए हैं। और चलते हैं आगे, यू टू लेवल हेडिंग डाउन। तो अभी मेरे पास गन है, और लेट मी सी मेरे पास और कोई गन है कि नहीं।
पहले मैं एक गोली जो है इसकी चला के देखता हूँ। ओके सो अभी पता चल जाएगा जब गेम का जब एक्शन आएगा कि क्या करना है। तो इससे मैं स्लाइड करूँगा, भागूँगा, रुक जाओ। तो हम स्लाइड भी कर सकते हैं और इससे हमारा रीलोड होगा। पहले मैं थोड़े कंट्रोल वगैरह सब सेट कर लूँ यार, और काफ़ी फास्ट हुआ है। ओके तो जंप मारो और इससे हम आगे की तरफ आएंगे। ओके वेरी वेरी क्रिटिकल। ये क्या है भाई, इंटरेक्ट। तो यहाँ पे क्या है भाई, रुक जाओ देखने दो। अच्छा यहाँ हम अपने आइटम्स शायद बाय कर सकते, तो अभी हमारे पास तो कुछ खास है ही नहीं, तो गेम हमारी भी शुरू ही हुई है, तो अभी हमारे पास कुछ खरीदने की ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो ये देखिए मस्त उछलता कूदता जा रहे हैं, यहाँ खून की नदी सी लग रही है। और लेट मी सी, वेपन्स हमारे पास ग्रेनेड भी नहीं है और वेपन हम चेंज नहीं कर सकते। इससे मुझे दे इंडिकेट मोस्ट यूजफुल पाथ फॉलो या बीकन, क्या करूँ इसको। या हमने एक बीकन को क्रॉस कर लिया है और चलते हैं और आगे की तरफ। और एकदम जैसे आप देख सकते हैं एकदम नरक जैसी जगह बनी हुई है, कोई टनल। यस ओ, ये तो मुझे पता ही था ऑलरेडी, तो मैंने पहले ही से ही कंट्रोल सीख लिया। और ये कोई मोटे से बाबा मरे हुए हैं क्या अंकल, ये मरे हुए अंकल पड़े हैं साथ में, इनके पास पेट्रोल की बड़ी सी खैनी भी अपने साइज़ की, हमारे साइज़ की नहीं है, बड़ी सी खैनी इन्होंने भैया पकड़ी हुई है। और खैनी से मुझे याद आ गया, डेज गॉन में खेलता हूँ, उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी गेम्स में खेलता हूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी खैनी और डेज गॉन के अंदर हमारी खैनी। और भाई ये क्या हो रहा भाई, सीक्रेट सीक्रेट जगह हो गया। तो यस, अगर मैं यहाँ पे मैंने उछल के ऐसे करा तो वो जो है कटर जो है हमारा बंद हो गया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ से स्लाइड भी हमारा, तो अच्छी बात है, शुरू शुरू में सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, एक तरह का ट्रेनिंग टाइप हो रहा है। होल्ड ए अगेंस्ट वॉल वाइल मूविंग फॉरवर्ड। ओके तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओ तो ये वॉल रन भी, अरे मर गया। आप पहले देखें कुछ हमारे लिए सामान तो नहीं है यहाँ पे, तो चलो ऊपर चलते सीढ़ी पे और होल्ड ए। ओह नाइस, तो इस तरीके से होता है। एक दो बार हमें लर्न करना पड़ेगा कि कैसे हमें आगे जो है जाना है। तो ये, अरे यार रीलोड क्या को करने लग गया, 6 गोली हैं हमारे गन के अंदर। और वॉल रन, ओके तो ऐसे हमें जाना है, और यहाँ पे कोई मरा हुआ आदमी पड़ा है, और इससे हमें क्या लेना है, अरे वापस जाने के लिए गए, चलो हु केयर्स। और यहाँ पे क्या, आई थिंक यहाँ वाली जगह पे भी हम बाद में जाएंगे, और फिर से वही जगह आ गई है। यहाँ हमें कुछ क्रेडिट्स मिले हैं और ओके तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा आई थिंक, जब अगर मैं फिर से करूँ तो। नेगोशिएटिव लिखा था वहाँ पे, तो अगर मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे लगता है मैं मर जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ से ऊपर फिर से करते हैं यहाँ पे, और या आई थिंक ऐसे हो यार, फिर से वो चेक कर लूँ, या आई थिंक ऐसे, बहुत बढ़िया। चलो वो तो हम सीख ही जाएंगे। यहाँ पे एक और जगह भी है जो मुझे पता नहीं थी, आई थिंक खुफिया जगह है, तो हम खोल के देखते हैं। और यहाँ पे कुछ नेगोशिएट, आई थिंक इसको अगर मैं छुड़ाऊँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। चारों को कैसे पकड़ा है, मार पीट रहे हैं, और अब भाई खून निकाल दिया इसका। पहले मुझे वहीं जाना है क्या, पहले बताओ। लो जी, मैं समझ रहा था कि मुझे पीछे की तरफ जाना है, तो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे।
इसको मार के हमारा नीचे आए हैं, और डबल जंप नहीं है इस पर फास्ट जंप है। और अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो एक ही बारी में मैंने पूरी की पूरी कितना डिस्टेंस होगा, कम से कम 25 से 30 मीटर होगा, वो मैंने जो है अपना एरिया कवर कर लिया। और यहाँ पे चेस्ट है, यहाँ देखते हैं हमें क्या मिलता है। आई थिंक शायद वेपन्स मिलेंगे और ज़्यादा। और ये हमने खोली और इसके अंदर क्या मिला, होल्ड टू इक्विप वेपन, क्या मिला मुझे ये तो बताओ। ओके, तो अभी मेरे पास कोई भी चीज़ एक्टिव नहीं है। अच्छा ये रहा यार, नाइस। तो यहाँ से हम ना वेपन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ मेरे पास असॉल्ट राइफल सी आ गई है। ये तो एक दो गोली में ही टपक गए। कंट्रोलर से शूटिंग करना कितना मुश्किल सा होता है यार। कौन है भाई, कौन मार रहा है? लेट्स सी, अपनी पिस्टल भी हम चेक करके देखेंगे। और अभी हमारी हेल्थ हल्की सी कम है, मेरे को लगता है हेल्थ रिजनरेशन होती है कि नहीं होती है, हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो कहाँ जा रहे हैं हम अभी? हमें अंदर जाना है, यहाँ जाना है? यहाँ तो कुछ है नहीं जाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ चलते हैं। और लो किला, यहाँ एक और जाइंट पड़ा हुआ टूटा फूटा, इसको खूब मारा गया है। तो चलो चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। और आई थिंक यहाँ और लोग मिलने वाले हैं। हमारा दोस्त है कौन है? अच्छा, तो हम टेक डाउन भी कर सकते हैं चुपके से। भाई साहब उसको मरने के बाद दीवारें वारे सब फट गई। नहीं, ओह शिट, ओ बच मर जाते अभी हम। और क्रेडिट्स हमें मिल गए हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ बड़ा सा लावा लोहा जलता, मुझे लगता है गिराया जाएगा। और सो कहाँ जाएं? मुझे देख के इन्होंने गेट ही बंद कर दिया। और यहाँ नीचे से भी एक रास्ता है। तो भाई साहब बहुत सारे रास्ते हैं आप यहाँ दे। अरे ये क्या है बे, साइबर बेशिप अटैक्स। अरे हम ना डॉगी भी ला सकते हैं। ओके, तो हमने डॉगी को भी यूज कर सकते हैं अटैक के लिए, नाइस। तो मस्त हो गया भाई, गॉड। ये तो बड़ी चीज है, अपने डॉगी को हम बुला सकते हैं और वहां पे हम लोगों को अटैक भी कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। कौन है भाई, कहाँ से आ रहे हैं ये? शील्ड हमारी टूट गई है, हमारी जो है हेल्थ होगी। पहला हेडशॉट, अगर मैं माउस से खेल के देखूँ तो आई थिंक माउस से खेलना तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। दूर से ही हेडशॉट हो गया। ये क्या हो रहा भाई, आरबी रिप्लेनिश हेल्थ। आई डोंट नो हाउ, आफ्टर शॉट आफ्टर गेटिंग यू कैन रिप्लेनिश योर हेल्थ बाय डैमेज टू एनिमीज। टाइमिंग इज सिम्बॉलिक बाई विजुअल इफेक्ट्स ऑन योर वेस्ट। ओके, तो इससे मैं क्रॉच कर सकता हूँ। तो अभी मैं पूरे कंट्रोल गेम के चेक ही कर रहा हूँ। और भाई बच गया, अभी मैं लावा के अंदर जो है कूदने वाला था, और यहाँ मेरा डॉगी भी आ गया है। फुल स्पीड में हम कूदे हैं, और यहाँ पे मुझे मालूम है बड़े सारे लोग मुझे मारने आने वाले हैं। कौन मार रहा भाई? थोड़ा सा सीखना पड़ेगा भाई, यहाँ तो कंट्रोल्स बहुत ही ज़्यादा जंगली वाले हो रहे हैं। रुक जाओ, अब ट्रक करता हूँ तुम्हारी ऐसी की तैसी। रुक जा, अब रुक जा, अभी रुक जा। अरे कहाँ से आ रहा है ये? अरे कौन मार रहा भाई? तो एनिमीज को मार के मेरी हेल्थ रिजेनरेट होती है, तो मैं भूल ही गया था। अभी अभी उसने मुझे बताया, अभी इसका जो है मर्डर होने वाला है। नाइस,
कौन मार रहा है? कहाँ है? तो हमें बहुत सारे वेपन मिले और पीछे म्यूजिक भी वैसा ही बज रहा है। तो एक मिनट पहले मैं म्यूजिक को कर देता हूँ बंद, वरना भैया कॉपीराइट का वही से इशू आ जाएगा जैसे कि देख रहे हैं। तो म्यूजिक वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दो भाई, कम कैसे होती है। वॉइस वॉल्यूम आधी, SFX ठीक है, मास्टर वॉल्यूम आधी, आई थिंक अब ठीक है। म्यूजिक तो बिल्कुल कम ही कर देते हैं हम, ताकि हमारी जो है दिक्कत ना हो। या अब ठीक है, तो जो मुझे मार रहा है कहाँ? वापस से अपने कंट्रोलर के अंदर आ गया हूँ मैं, और यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, मैं सब लूट लूँगा। आप यहाँ हैं? और यह तो इनको मार के मेरी हेल्थ जो है बढ़ गई है। थोड़ा सा मुझे और सेटिंग करनी पड़ेगी अपनी ग्रिप की। बहुत टाइम बाद मैं वही, ये लोग तो डरते ही नहीं हैं, आप यहाँ देख ही सकते हैं। वही नॉन स्टॉप गोलियाँ जो है चलती जा रही हैं और कोई भी रुकाव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें मिल गई हैं। चलिए, एक चीज़ काफ़ी अच्छी है कि यहाँ इनको मार के अपनी हेल्थ रीजेनरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना ग्रेनेड भी फेंक सकते हैं। उनको ग्रेनेड फेंक के देखता हूँ मैं। नाइस, ये माँ। तो ये क्या चीज़ है? बाय आइटम। तो यहाँ से मुझे अभी कुछ बाय नहीं करना, और चलिए यहाँ चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, आई थिंक स्पेयर पार्ट्स वगैरह में मिले हैं। और अब फिर से आ गए भाई। या नहीं तो अब मेरा थोड़ी सी ग्रिप बन रही है शूटिंग के अंदर, मस्त मज़ा आ रहा है। अभी जा सॉन्ग नहीं, आई एम क्वाइट श्योर कि आगे जाके तो मेरी ये लोग जान ही ले लेंगे। तो यहाँ वापस अपने कंप्यूटर पे आ गए और यहाँ अनलॉक करते हैं। तो यहाँ ऊपर से हमारा अनलॉक जो है वो खुल गया है और काफ़ी बढ़िया जो है हो गया है। तो मैं ज़रा गेम को पॉज करके अपना चेक कर रहा था कि भैया गेम रिकॉर्ड हो भी रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि भैया मैं बहुत बार पता चुका हूँ इन चीज़ों के। ऊपर भी कुछ है क्या? ऊपर मैं क्यों नहीं जा रहा? अरे रुक जाओ भैया, क्या हो गया? अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। हाँ हम आए हैं, और मैं क्या बात कर रहा था रिकॉर्डिंग की। तो हम रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं, गेम कोई लैग तो नहीं हो रही। तो आई डोंट थिंक कि कुछ लैग हो रहा है। अब हमें जाना है नीचे की तरफ। तो नीचे खुफिया सा रास्ता खुल गया है, आप यहाँ देख ही सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया। यहाँ पे हमें क्या मिला है? स्टिम की प्यू डाइन यूज ऑटोमेटिकली व्हेन यू रन आउट ऑफ HP, दे कैन बी बॉट इक्विपमेंट। ओके, तो स्टिम पैक होता है अपना, एक टाइप का इंजेक्शन सा होता है, हमारी जो हेल्थ जो है रीजनरेशन के लिए काम आता है, स्पेशली जब हम मरने वाले होते हैं तो। अरे क्या हो गया भाई, किसको मार रहे हो तुम? आई थिंक ये मेरे भाई बंधु हैं। या सो अगर मैं ऐसे करूं और या वैसे तो मैं सीख गया थोड़ा बहुत। अब अरे चचा है क्या यार? साला कंट्रोलर से हो नहीं पा रहा। वन शॉट किल बेबी। पर अब मुझे कंट्रोलर से ही खेलना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से रस्ते आने, गेम में थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कहाँ है भाई जो दूसरा आदमी? वो रहा। लेट्स ट्राई शार्प शूटिंग। मरता क्यों नहीं? चूस ली मेरी हेल्थ। अब आएगा मजा। गेमिंग काफ़ी अच्छी है, तो मुझे भी गेम का अब AI बहुत ही बेटर होने लगा है। क्योंकि गेम्स के अंदर पहले भाई साहब दुश्मन जो है हमें मारते रहते थे एनिमीज, और उनकी गोली जो है हमें कम से कम लगती थी। तो भाई साहब जगह ही जगह है, करना क्या है भाई यहाँ पे?
बाय गॉड, अब यहाँ देख ही सकते हैं, प्लेस भरी हुई है। और अगर हम यहाँ जाएंगे तो सीक्रेट लोकेशन शायद लग रही है, अपना पहले ही सामान वान सब चुरा लें। और यहाँ से और नीचे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऊपर यहाँ से आ पाऊँगा। आई थिंक यहाँ हम मर जाएंगे मे बी, या नहीं। ओके, तो चलिए वापस ऊपर चलते हैं। इधर तो शायद कुछ नहीं था, आई थिंक शायद नहीं, या कुछ नहीं था, पता नहीं यहाँ पे सीढ़ी क्यों बनी हुई है। मे बी कुछ मिशन हमारे जुड़, तो हम खूब सारा अपना एरिया जो है छानते हुए चलेंगे। और अरे भाई क्या रिफ्लेक्स, क्या क्या दिखा रहा है मुझे, तो यहाँ देखेंगे सब कुछ जल भुन रहा है। मैं यहाँ नहीं जा रहा, रुक जा, अभी करता हूँ, 2 मिनट रुको। ये समझ नहीं है मैं आया कहाँ से हूँ, मैं जा कहाँ रहा हूँ। ऊपर से जाना है, नीचे से जाना, भाई करना क्या है। ओके, तो ये सेम जगह है भाई साहब, लोहे की यहाँ पे जो है रॉड्स बन रही हैं। और आप यहाँ देख ही सकते हैं और बहुत सारी लोकेशंस हैं। तो आइए ट्राई करते हैं, यहाँ से जाके चुपके से हम भागेंगे और इनको मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ से नहीं जाऊँगा, और जंप हो गई। और यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा है नहीं, यहाँ से हम इनसे बचते हुए आगे चलेंगे। और सीक्रेट टनल मिल गई है हमें, यहाँ पे हमें मिला है क्या मिला है, 2x, पता नहीं क्या मिला है, जो भी मिला है। तो यहाँ हमारा सामान है, कुछ लकी सामान, या तो इन सारे एनिमी से हम बचते हुए आए हैं। और वो बात अलग है, कौन मार रहा है भाई, कौन कौन कहाँ से मार रहा है ये तो बताओ। अरे भाई बहुत सारे आ गए, तो मारो मारो। तो गोलियां तो ऐसे मिल रही हैं, ऐसे पता नहीं गिफ्ट मिल रहा हूँ मुझे। अब फिर आ गया, अरे फिर दुनिया से गोलियां बरसाने लग गए। कौन है कौन है, टेल मी। ये जी दीदी, दीदी मारी हमने, और दीदी आ गई मारने के लिए, बहुत बढ़िया। तो इनको मार के अगर हेल्थ नहीं मिलती तो भैया मेरा क्या होता, आप यहाँ सोच ही सकते हैं। ओके, यहाँ पे जगह है, सेफ जगह है अभी तक के लिए। और ये भैया बॉस हमारे हैं, और आप मर जाइए। और कहाँ है, एक शायद नीचे की तरफ है ये रहा। और हमें एमओ मिली है, हर आदमी को मार के दो चार गोलियां तो हमें मिल ही रही हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ सारा सामान अपना लूट लेते हैं, कई सारा हमें सामान मिल रहा है यहाँ पे। और यस, आप यहाँ सामने ही देख सकते हैं अपने कि बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कि गेम में आगे हमें काफ़ी ज़्यादा काम आ गए। हाँ, लोहे की ये लावा जा रहा है लोहे का, और यहाँ पे आ रही है लोहे की रॉड। आई एम क्वाइट श्योर कि अगर मैं इनसे टच करूँगा तो ऑलमोस्ट मरने वाला हो जाऊँगा, या मैं मर ही जाऊँगा। चलिए, यहाँ का हमारा इलाका निपट गया है, ऊपर की तरफ चलते हैं और जाके देखते हैं आगे क्या हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम लग रही है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ से अपना यस ना, ये सब सामान जो है हम चुराने की पूरी कोशिश। तो यहाँ से उछल के जाना पड़ेगा, मुझे पता था हेल्थ मेरी कम हो जाएगी, मैंने देख ही लिया था। और मुझे और काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। और कौन है, कहाँ से मार रहा भाई, लगता है जहाँ से मैं आया था वहाँ से हमें मारा जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ और ऊपर आ जाऊँ, बच गया। तो चलो भाई इज्जत से चलो, बहुत हो गया। यहाँ भी चीज़ें हैं, यहाँ भी सामान है, मज़ा ही आ गया हार्डवेयर देख के यहाँ पे। वेरी वेरी गुड, आई थिंक हमने सारा एरिया अब तो क्लियर कर ही लिया होगा। और अब हम, अगर मैं पहले इस आंटी को मारो यार, कहाँ मरो या सो। तो मुझे एक ही बार दबाना है, तब मैं जाके वॉल रन कर पाऊँगा। ऐसी बार दोबारा अगर मैं दबाऊँगा तो फिर वो मेरा जो है जंप ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे अभी भी चीज़ पता चली है। और आ गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट क्रेडिट से हम बाय कुछ कर सकते हैं कि नहीं,
अभी मुझे कुछ नहीं खरीदना। और हमारी गोलियां हैं 30 और 400 बुलेट्स हैं मेरे पास। क्या हो गया भाई, कहाँ फंस गया? तो बहुत ही अच्छी डिटेलिंग दे रखी है गेम की। ऐसा कुछ टॉप एंड हाई क्वालिटी गेम मैं नहीं कहूँगा, पर ऐसा नहीं भी नहीं कहूँगा कि बहुत। अरे भाई क्या हो गया कि भैया नई गेम देख के हमें तरस आ रहा है? नहीं, बहुत बुरी भी गेम ऐसा नहीं है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। ये मेरी शील्ड मार दी इन्होंने, मुझे इसको मारना पड़ेगा। अब गए। अब भाई मार दिए, क्या कर रहे हो? तो बहुत बढ़िया जगह मिल गई मुझे छुपने के लिए, यहाँ से मैं इन बच्चों को जो है मार सकता हूँ। जितनी पास से मैं इनको मारता हूँ उतनी जल्दी ये लोग मरते हैं, पता नहीं क्या सेटिंग है इनकी ऐसे। एंड अरे यार कहाँ कहाँ से मार रहे हैं। एंड मैं 3 बार मरते मरते बचा हूँ और मैं फिर से मेरी हेल्थ जो है बढ़ जाती है। और मैं थोड़ा सा अपना डॉगी भी अब छोड़ता हूँ। ये वाले थोड़े स्ट्रांग होते हैं। और अब यस नाइस। तो मेरा डॉगी मेरे काम आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ से अब सारा सामान अपना असला बारूद जो भी है हम लूटने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे तेरी, पहले तो मैं ऊपर जाके देखूंगा, तभी मैं मानूंगा कि ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक वहाँ पे कुछ होना चाहिए। क्या हो गया अपने, हमारी गेम जो है ख़त्म हो रहा है भाई। वी शुड हैव डन। ओ भैया बड़ा सा उन्होंने पंखा उड़ाता हुआ मारा है और आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो अब ये बड़ा वाला बॉस आ गया, इसको मुझे मारना पड़ेगा। तो इसकी हेल्थ भी नहीं होगी मुझे। इसके लिए बम है, अब देख सकते हैं मैंने ग्रेनेड फेंक के मारा उसको, कुछ भी नहीं असर हुआ। अभी तक तो थोड़ा इजी। अरे बाप मार दिया, अरे मार दिया भाई, मार दिया, बाप बाप बाप। आई थिंक ही इज डेड। तो बच्चा था मर गया, थी मेरे से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था, पर इन जैसों को तो मैं खूब मार। अरे कौन है इनविजिबल आदमी, इनविजिबल? अरे इनविजिबल लोग थे भैया। इनविजिबल को मार के हेल्थ भी नहीं मिल रही। हेल्थ मेरी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और आई थिंक मुझे अब यूज़ करनी पड़ेगी हमारी हेल्थ। यस तो फुल हो गई हमारी, अब मैं काफ़ी ज़्यादा सेफ। आई थिंक यहाँ पे मैं अपनी हेल्थ को भी अपग्रेड कर पाऊँगा, जो कि बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। यहाँ पे कोई पड़ा हुआ है, उसको मारने के बाद हमारे मिले अंदर बहुत सारा सामान और एमो बॉक्स और भी चीज़ें मिल गई हैं। यहाँ पे सीक्रेट टनल है, यहाँ से भी हम जा सकते हैं मे बी बच के। और ओके अरे भाई ये कौन फिर से आ गए? नहीं करनी थी यार हेल्थ पैक यूज, किसने करा है? ओह शिट, नहीं करनी थी यार। अरे भाई आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया।
ये नहीं छोड़ेगा मेरी जान। नहीं, अरे मर गए मर गए मर गए मर गए। ओह शिट, ओह माय गॉड, कुत्ते की मौत हमारे। अरे हाँ, फिर से क्यों काम, मेरे को बताना शुरू हो रही है। इज डेड, नाइस। तो पहले भैया सामान इकट्ठा करो, कुछ भी मत छोड़ो यहाँ पे। और सीक्रेट एरियाज हैं जितने भी, वहाँ भी सब लूटो। और डिफाइल सेनर, तो यहाँ अगर मैं जाऊँ और मुझे अगर वहाँ जाना हो तो आई डोंट थिंक मैं इजीली पहुँच पाऊँगा। अगर मैं यहाँ मर गया तो मर जाऊँगा मैं, मुझे पता है। तो अपने क्यों मजे लें हम यहाँ पे, अभी पहले यहाँ से होके आते हैं। यहाँ साला एरिया साइड मैंने चूज कर लिया था, अब यहाँ पे शायद कुछ भी नहीं है, तो बाहर की तरफ चलते हैं और जाके देखते हैं हमारे काम का क्या क्या सामान है। सब ले लिया भाई, ऊपर से नीचे से, ये कुछ है जो भी है मैंने लिया नहीं है। डॉगी को भी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हमारे डॉगी कॉइन को। और अभी मुझे इसका भी देखना पड़ेगा। यहाँ से तो मैं आया था, नीचे से अगर हम जाएंगे तो यहाँ नीचे भी जगह है और यहाँ पे कुछ होना चाहिए शायद, मे बी। या सीक्रेट लोकेशंस आप देख ही रहे हैं, यहाँ मैं पार कर रहे जा रहा हूँ। तो मैं ऊपर की तरफ जाना है, यहाँ पे तो अपना कुछ भी काम का अभी नहीं है। या सो इट इज ओवर। ऊफ, सो नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ वाला एरिया आई थिंक क्लियर हो गया। चलो ऊपर चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एग्जिट। और यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है यहाँ पे भैया हमारा काम जो है ये अब। कौन आ गया? दो लोग आए मुझे मारने के लिए, मैं दोनों को ही निपटा दिया है। मर गई ये भी, और इसको मारने के बाद भाई मेरी हेल्थ भी रिजनरेशन नहीं हो रही, तो मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये कुछ जगह पे आ गए, यहाँ सब फट रहा है, पंखे पंखे उड़ रहे हैं, यहाँ सब गिर गया। मैं शायद गिरने वाला हूँ, और अब मुझे और नरक की गहराई में हूँ। पर मुझे लगा है कि मैं ऊपर अपनी जगह पे पार होने वाला था, पर एज यूजल गेम को आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए। ये कौन है? लुक टू रॉन्ग साइड्स कम। अभी कौन है भाई? लगता है मेरी बॉस फाइट होने वाली है यहाँ पे। या मुझे किसी ने बचाया है, अभी तभी पता चल जाएगा कि क्या होगा। सो क्या हो गया भाई, काली स्क्रीन आ गई, क्या कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा। या तो दोस्तों मिशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया जरूर लाइक, चैनल को प्लीज़ कभी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे क्या क्या मिलती हैं हमें। प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।